नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही पद है जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस में जमीन आसमान एक कर दिए थे। कई बार दिल्ली आए, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की और विधायकों से समर्थन बटोरा, लेकिन सिद्धू ने इस पद से इस्तीफा देकर पंजाब कांग्रेस में फिर से एक बार भूचाल ला दिया है। सिद्धू का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब लगने लगा था कि पंजाब कांग्रेस में उनका दबदबा कायम हो गया है। कैप्टन अमरिंदर को चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देना पड़ा। सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर सिंह से लंबे समय से टकराव रहा है, लेकिन अभी तक अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद पर आंच नहीं आई थी। पर कुछ महीनों पहले सिद्धू ने उनके खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। पहले उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद की मांग की, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके खिलाफ थे। उन्होंने सुनील जाखड़ को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने पर जोर दिया और इससे सिख हिंदू संतुलन बनने की बात भी कही, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पर सिद्धू यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने कैप्टन के नेतृत्व और कामकाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी में अमरिंदर सिंह के खिलाफ माहौल होने की बात कही। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने का फैसला ले लिया। नए मुख्यमंत्री के चुनाव में भी सिद्धू की पसंद का ख्याल रखा गया। उन्हें खुद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि इससे कांग्रेस के टूटने का खतरा था। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जाने वाले विधायक पूरी तरह सिद्धू के समर्थन में नहीं थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को सिद्धू की पसंद ही बताया जाता है। उनके जरिए दलित सिख समीकरण साधने की भी कोशिश की गई। इसके बाद पंजाब कांग्रेस पटरी पर आती दिख रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा सभी शांत और संतुष्ट लग रहे थे, पर यकायक सिद्धू के इस्तीफे ने कांग्रेस में उथल पुथल मचा दी है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में इतनी अहमियत मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं हुए? आखिर उनकी प्लानिंग क्या है? दरअसल सिद्धू की पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की चाह किसी से छुपी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते वो ये पद कभी हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले उन्होंने अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अब भी उन्हें कांग्रेस में अपना सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। भले ही चन्नी उनकी पसंद हो, लेकिन चुनाव जीतने पर सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके आसार दिख नहीं रहे। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह उन पर देशद्रोही होने से लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हरीश रावत ने कहा था कि 2022 के चुनाव कांग्रेस सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन इस पर सुनील जाखड़ ने आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के रहते ऐसा कहना मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन है। इस पर बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए कहा था कि कांग्रेस ने चन्नी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। इस सब से सिद्धू को अंदेशा हो गया कि भले ही कांग्रेस चुनाव जीत जाए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पूरा समर्थन नहीं मिलने वाला। ऐसे में उन्होंने अपने लिए नया रास्ता तलाश लिया है, जो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी लंबे समय से सिद्धू को लुभाने की कोशिश में है। पार्टी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और सिद्धू उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं सिद्धू भी सीएम बनना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी उन्हें सीएम पद का चेहरा भी बना सकती है। भले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन सिद्धू के जरिए वो कांग्रेस को कमजोर जरूर कर सकती है, साथ ही अपना आधार भी बढ़ा सकती है। इसलिए अब कांग्रेस का बंटा धार करके सिद्धू एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए जगह बना रहे हैं। कांग्रेस कई खेमों में बढ़ चुकी है। पंजाब में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता उससे छिटक गए हैं। कांग्रेस की कलह से पंजाब की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो सकता है, जो दूसरे दलों के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करेगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूरा जोर लगाया हुआ है और नवजोत सिंह सिद्धू इसकी अगुवाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।